और कैसा है फौजी, इतने दिनों बाद मिलने आया है। वैसे ये फौजी है, देखने में तो ऐसा लग रहा है नाली का गोताखोर सा। बात तो सही, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा गुरु रंधावा जैसे खड़े बाल रखने वाले फौजी को। छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा तो मुझसे अब तुम इतने इतने दिनों बाद मिलने आओगे। ये पता नहीं कौन आ गया बीच में विलन से, ये इतने बढ़िया बर्फीला भेड़ और बकरी बात कर रहे थे, बीच में विलन आना जरूरी है वरना इनकी क्रिंज भरी वीडियो बनेगी नहीं। साले मजाक बना के रखते हो। जितने भी पैसे हैं सारे निकाल दे, नहीं तो तुझे और तेरी बहन को यहीं डाल दूंगा। अरे विलन भैया, तुम्हारे हाथ में जो फ्लैंग जेट वाला कड़ा है ना, उसे निकाल के इसके मुंह पे मारो, ये सही टाइम है। चलो फौजी के हाल चाल ले लेते हैं। मुझे पुरानी दुश्मनी से कोई मतलब नहीं, तुमने मेरी हेल्प की, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है। अच्छा तू विलन नहीं है, तू इन दोनों के बीच में आने वाला बिचौलिया है।